नमस्कार दोस्तों, मैं सतीश सुमन आपके अपने YouTube चैनल श्रेष्ठ भारत में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों आज है 30 जनवरी और 30 जनवरी को शहीद दिवस के रूप में याद किया जाता है, क्योंकि अहिंसा के पुजारी राष्ट्रपिता कहे जाने वाले महात्मा गांधी की एक सरफरे हत्यारे ने कायराना हरकत दिखाते हुए गोली मारकर हत्या कर दी थी। गांधी जी उस समय प्रतिदिन 5 बजे दिल्ली के बिड़ला हाउस में प्रार्थना के लिए जाते थे। उसी समय महाराष्ट्र के पुणे में दिगंबर बड़के, जो के हथियारों का संचालन करता था, नाथुराम गोडसे, उसका भाई गोपाल गोडसे, रामकृष्ण करकरे और पंजाब से आया एक शरणार्थी मदनलाल पाबा के द्वारा षड्यंत्र रचा गया। गांधी जी की हत्या करने के लिए 14 जनवरी को गोपाल गोडसे, नाथुराम गोडसे, नारायण आप्टे और रामकृष्ण करकरे दिल्ली के लिए रवाना हुए। 2-3 दिन उन्होंने बिड़ला हाउस की रेकी की। गांधी जी की हत्या के 10 दिन पहले यानी कि 20 जनवरी को मदनलाल पाहवा और रामकृष्ण करकरे ने बिड़ला हाउस में गांधी जी पर बम फेंककर हमला किया, लेकिन इस हमले से गांधी जी बच गए। इसके बाद मदनलाल पाहवा को गिरफ्तार कर लिया जाता है, बाकी फरार हो जाते हैं, लेकिन नाथुराम गोडसे इस अधूरे कार्य को पूरा किए बिना वापस नहीं जाना चाहता था। इसलिए 26 जनवरी को नाथुराम गोडसे, नारायण आप्टे और करकरे हथियारों का इंतजाम करने के लिए अपने मित्र दत्तात्रेय परचुरे के पास ग्वालियर के लिए रवाना हो जाते हैं। ग्वालियर पहुंचने पर दत्तात्रेय परचुरे ने हथियारों का इंतजाम किया और साथ में गोडसे के लिए 9mm पिस्टल भी लाकर दी। हथियार लेकर तीनों 28 जनवरी को ग्वालियर से रवाना हुए और 29 जनवरी को दिल्ली पहुंच जाते हैं। पुरानी दिल्ली स्टेशन पर अंतिम प्लान बनाया जाता है। इस प्लान को अंजाम देने के लिए तीनों अगले दिन यानी कि 30 जनवरी 1948 को बिड़ला हाउस पहुंच जाते हैं, लेकिन उस समय गांधी जी लेट हो जाते हैं। क्योंकि गांधी जी नेहरू और पटेल के मतभेदों को सुलझाने के लिए पटेल से मीटिंग में व्यस्त हो जाते हैं, फिर भी 5:15 बजे तक प्रार्थना स्थल पर पहुंच जाते हैं। उनके साथ में आबा बहन और मनु बहन थी। प्लान के मुताबिक गोली नाथुराम गोडसे को चलानी थी और नारायण आप्टे और करकरे को उसे कवर देना था। नाथुराम गोडसे ने गांधी जी पर 3 गोली चलाई, जिसमें 2 गोली गांधी जी के शरीर को चीरती हुई पार हो गई, लेकिन 1 गोली शरीर में फंसी रह गई। गांधी जी ने वहीं पर दम तोड़ दिया। तीनों भागने की फिराक में थे, लेकिन माली रघुनायक ने शोर मचाते हुए उनको पकड़वा दिया। इस हत्याकांड की FIR नंदलाल मेहता ने रात्रि के 10:45 बजे दिल्ली के तुगलक रोड थाने में लिखवाई। FIR उर्दू में लिखी गई थी, जो कि आज दिल्ली के राष्ट्रीय संग्रहालय में सुरक्षित रखी है। इस घटना के गवाह थे KD मदान, जो कि ऑल इंडिया रेडियो में कार्यरत थे। दूसरी आबा बहन, जो कि गांधी जी के भतीजे कनू बहन की पत्नी थी। तीसरा गवाह था वह माली रघुनायक। इस मुकदमे की सुनवाई लाल किले में हुई। इस पूरे षड्यंत्र में 8 लोगों के खिलाफ मुकदमा चलाया गया और 1 साल बाद 8 नवंबर 1949 को फैसला सुनाया गया। इस हत्याकांड के मुख्य अभियुक्त नाथुराम गोडसे और नारायण आप्टे को धारा 302 के तहत गांधी जी की हत्या करने के लिए फांसी की सजा सुनाई गई और उन दोनों को 15 नवंबर 1949 को फांसी दे दी गई। नाथुराम गोडसे का भाई गोपाल गोडसे, रामकृष्ण करकरे और मदनलाल पाहवा को गांधी जी की हत्या करने के साजिश, हत्या करने की कोशिश में आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। विनायक दामोदर सावरकर को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया गया। शंकर कस्तैया, जिसने हाईकोर्ट में अपील की और हाईकोर्ट ने उसे बरी कर दिया। इस हत्याकांड का 8वां आरोपी दिगंबर बड़के सरकारी गवाह बना और उसको बरी कर दिया गया। तो दोस्तों, इस शहीद दिवस के अवसर पर महात्मा गांधी की शहादत को नमन करते हुए आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं हम अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।